तो हम लोग जो है बायोसेवर्ट ना पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग ये फॉर्मूले पढ़ लिए थे और मेन फॉर्मूला हम लोगों का क्या था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ का तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आर डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को इसी से रिलेटेड जो केसेस थे वो भी अलग अलग याद रखने थे। तो कई चीजें आपको बता दी गई थी कि अगर पी पॉइंट के पास वाले एंगल हैं तो साइन के फॉर्म में, और अगर वायर के पास वाले एंगल हैं तो कॉस के फॉर्म में हम लोग उसी का यूज करेंगे। बाकी इधर तो वही रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। फिर इसमें अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अगर हम वायर के एक एंड के पास में है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो जाता है। अगर वायर पर ही है मतलब वायर पे मतलब एक्सिस पर है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड एक केस है जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें जैसे आपको एक दिखाया गया है यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगन है मतलब यहाँ पर आपको क्लियर है ना सभी साइड्स ए के फॉर्म में, दो में दिखा दिया गया सभी ए के फॉर्म में यहाँ पर साइड दी गई है। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल बनाकर भी दिया जा सकता है, स्क्वायर बनाकर दिया जा सकता है, या पेंटागन हेक्सागन कुछ भी बनाकर दिया जा सकता है, बस सभी साइड्स क्या रहेंगी बराबर। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप सोचो आप रेक्टेंगल पर अप्लाई कर दो तो नहीं होगा। तो ऐसे ही इक्वल साइड वाले केसेस दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसे देखो सॉल्व करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। कि अगर हमें पता है कि ट्रायंगल का या ऐसे स्क्वायर का इस तरह का केस पूछा जा सकता है तो क्यों ना हम लोग इसका एक फॉर्मूला ही बना लें। तो इसीलिए इसको जनरल फॉर्म में आपको कराया जा रहा है। बाकी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो जैसे आपको कराया जाएगा वैसे ही आप इसे डेराइव करेंगे अगर कोई भी ट्रायंगल या स्क्वायर वगैरह का कोई केस आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ इज गिवन एज, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एक ही लाइन में दे सकते हैं। कैसे कि अगर आप देखो यहां पर करंट ऐसे दिखाई गई, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब टुवर्ड्स द पॉइंट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इनवर्ड। तो अगर आप कहीं भी देखो, ठीक है, चाहे आप इस साइड के लिए देखो चाहे इस साइड के लिए, सबके लिए वही आएगा। फिर करंट की डायरेक्शन इधर टुवर्ड्स द पॉइंट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, कहीं भी देखेंगे तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आपको हर एक पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड ही होगी, यानी कि सभी मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड होती चली जाएंगी। तो अगर हम एक साइड की मैग्नेटिक फील्ड को कह रहे हैं यहां पर क्या होगी, जैसे यहां पर a/2 हो गया, ये डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा, तो थीटा पॉइंट के पास वाले एंगल हमने लिए, तो जब पॉइंट के पास होंगे तो साइन के फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहां पर अभी कुछ लिखना नहीं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πI/r और साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यही तो हो जाएगा, ठीक है। ये एक साइड की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन यहां पर है कितनी एन साइड और सबकी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसलिए आप यहां पर क्या करेंगे इसी को एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये एन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो देखा जाए तो यही बस हो गया फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले से कोई बहुत बेनिफिट नहीं निकलने वाला क्योंकि इसमें नॉर्मली ये जो आर है वो नहीं देते हैं, क्या देते हैं ये साइड लेंथ आपको देते हैं। तो हम लोग साइड लेंथ के टर्म में इस फॉर्मूले को अगर निकालेंगे तो बेटर रहेगा। तो इसको तो याद ही नहीं करना, अगर आप डराइव करना चाह रहे हैं तो ये तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, फिर यहाँ आर निकालो और उसके बाद फिर आप यहाँ पर सॉल्व कर लो। लेकिन अगर हम आर के बजाय ए के टर्म में इस फॉर्मूले को निकालना चाहे तो क्या करेंगे, तो फ्रॉम फिगर देखो, अगर हम इस डायग्राम से देखें तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, यहाँ पर ये ट्रायंगल देखो आप, तो यहां से हम लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बाई टू डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई टू टैन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा ना, ये वैल्यू जरा यहां रखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट अपॉन 4π आई डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई टू टैन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो जरा ये एन अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और ये टू टैन थीटा जाएगा ऊपर, तो टू इंटू टू फोर
साइन थीटा टेन थीटा, और साथ में ये एन भी आ जाएगा। तो फाइनली अगर देखें तो फॉर्मूला ये आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डिवाइडेड बाई ए, और ब्रैकेट में आ जाएगा फोर एन साइन थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। इसमें क्या होगा, जैसे उसने कह दिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ये है, तो ये साइड हो गई, करंट उसमें दे दिया गया, एन नंबर ऑफ साइड्स हो गई, मतलब थ्री हो गया, और थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं वहां पर कि क्या होगा। तो थीटा देखो वहां पर जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपके दिमाग में तुरंत आता है थीटा इज इक्वल टू 60, लेकिन वो कॉर्नर वाला 60 नहीं होगा। आप देखो यहाँ पर कि थीटा तो हम यहाँ का ले रहे हैं ना, तो अगर ये थीटा आप निकालना चाह रहे हैं, बार बार आप उसको करना नहीं चाह रहे हैं कि क्या होगा थीटा, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप देखो एक साइड है तो एंगल 2 थीटा बन रहा है ना ये पूरा, तो अगर हम यहां पर कह दें कि जो n टाइम्स 2 थीटा है इसकी वैल्यू, अगर एक साइड की वैल्यू, एक साइड की एंगल जो है यहां पर, वो यहां पर कितना है 2 थीटा, तो n साइड का जो एंगल होगा वो n टाइम्स 2 थीटा होगा। ठीक है, 2 थीटा, अगर दो साइड ले लो तो 2 टाइम्स, 3 साइड लेंगे 3 टाइम्स, तो 4 n साइड लेंगे तो n टाइम्स, लेकिन कुल मिला के अगर हम घूम कर आएंगे तो टोटल एंगल तो 2 पाई ही रहेगा, 360 से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो टोटल एंगल 2 पाई ही रहेगा। तो इसमें अगर आप 2 और 2 को कैंसिल कर दें तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई एन। ठीक है, मतलब आप ये अपना साइड में लिख लेना इसी डायग्राम के पास में, तो आपको यहां पर थीटा जब निकालना होगा तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो उसमें थीटा जो है, आप ये वाला आपके दिमाग में आ रहा है 60, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि आप सेंटर पर देखेंगे ना, तो सेंटर से जब आप इसको मिलाएंगे, ये लाइन खींचेंगे, तो ये एंगल जो है वो भी तो 60 ही होगा। तो हम ये जो थीटा ले रहे हैं वो ये वाला एंगल लेंगे ना, अगर आप एक कॉर्नर वाला सोचोगे तो फिर अगर स्क्वायर बनेगा तो आप तो वहां पर फिर ये 90 डिग्री रख दोगे, लेकिन वहां 90 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप स्क्वायर लेंगे तो यहां पर जब आप सेंटर से मिलाएंगे और ये एक लाइन होगी तो ये एंगल तो 45 डिग्री आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि थीटा ये एंगल कितना है, एक साइड सेंटर पर जितना एंगल बनाएगी वो 2 थीटा होगा, तो वहां से थीटा निकालना है। तो बार बार ये सब चीजें गड़बड़ ना हो या कंफ्यूजन ना हो, उससे बेटर है आप सीधे ये याद रखो कि जो ये फॉर्मूला है इसमें थीटा क्या रखना है, पाई बाय एन, और एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है यहां पर। ठीक है, नोट कर लेंगे। नोट कर लेना आपने। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको अभी निकालना पड़ेगा, कोई भी केस हो सकता है उसमें, कैसे भी आपको करंट दिखाई जा सकती है, जैसे इसमें हमने क्लॉकवाइज दिखा दिया, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, तो डायरेक्शन निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, डायरेक्शन ही मेन है। तो यहाँ पर आपने देखा निकाल कर कि नहीं, बस ऐसे हमने बता दिया, हो गया, आ रहा है ना, करके देखो, निकल पा रही ना सभी की तरह, तब ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कोई भी क्वेश्चन जब आप करते हैं, डायरेक्शन के लिए हमने तुम्हें सबसे पहले बताया, सबसे पहले थिंक कर लो। ठीक है, तो आप कौन से पार्ट में, तीसरे पार्ट में। डायरेक्शन निकालने का मतलब ये नहीं होता है, जैसे हमने देखा जब भी डायरेक्शन की बात करो सीधे हाथ पहले आ जाता है, आगे पहले आपके दिमाग के, मतलब विद इन मिली सेकेंड आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले दिमाग के तुम्हारे आना चाहिए कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, तीसरे पढ़ रहे हैं ना, हाँ तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो तीसरे टॉपिक में अननोन क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब पाम का परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और फिंगर्स उस पॉइंट को जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे रखेंगे हाथ, कॉपी पर आप ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो कॉपी पर आपको हाथ ऐसे रखना है। ठीक है, करंट की तरफ यहां पर थंब, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉइंट यहां पर फिंगर रखेंगे, और पाम का परपेंडिकुलर कैसे जा रहा है, इनवर्ड, अगर यही करंट पलट जाती हाथ पलट देते ऐसे, करंट इधर हो जाती टुवर्ड्स द पॉइंट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर केस देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मतलब कोई भी आर्क है, आर्क का मतलब हमें पता है कि पूरा जैसे सर्किल होता है उसका कुछ भी पार्ट ले लिया हमने, तो इस पार्ट की वजह से इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको देखना है।
तो अगेन अगर आप देखो तो डायरेक्शन इनवर्ड दिखाई गई, तो आप आराम से देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन में रखा था टुवर्ड्स द पॉइंट फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इनवर्ड, आप ऐसे रखेंगे हाथ अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी फॉर्मूले याद रखना है सीधे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, और यहां पर हो जाएगा थीटा। तो अगर ऐसे थीटा आप रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है थीटा आपको रखना होता है रेडियन में, यानी कि पाई के फॉर्म में रखेंगे। और थीटा क्या है कि ये आर्क जो है सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, ठीक है। तो मतलब ये पूरा एंगल जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा, और आर क्या है रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट, ठीक है, नोट करेंगे। बाकी नीचे लिख दिया गया है आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर और थीटा क्या है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं इसी से रिलेटेड दो केस हैं, केस वन और केस टू। तो केस जो है उसमें अगर थीटा की वैल्यू पाई है, मतलब फॉर अ सेमी सर्कुलर आर्क दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई, तो थीटा की वैल्यू अगर पाई के बराबर है यहां पर ये एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल, तो ये सेमी सर्किल हो गया ना, ठीक है। तो सेमी सर्किल के लिए पाई के बराबर रखेंगे, तो आप देखो जरा फॉर्मूला यहां पर क्या जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर और इंटू थीटा, तो थीटा की जगह क्या रखेंगे पाई, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 4 आर, उसी लाइन में लिख लेना, मैंने नीचे लिख दिया तो जगह थी, आप ऐसे आगे करके ऐसे लिख लेना। और दूसरा केस है यहां पर कंप्लीट सर्किल का, तो सेमी सर्किल की वजह से ये हो जाएगी, और डायरेक्शन आप आराम से वैसे निकालते चलेंगे, ठीक है, करंट कैरिंग लूप, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन में थंब टुवर्ड द पॉइंट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अभी इसका एक और भी तरीका है वो हम लोग सीखेंगे, नोट कर लिए इतना, ऐसे दूसरा वाला कर लो। तो यहां पर क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर और यहां पर आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, क्योंकि अब की बार कंप्लीट सर्किल है तो 2 पाई, तो ये इंप्लाई कर रहा है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। एक हम लोगों ने डायरेक्शन निकालने का एरिया वेक्टर का एक मेथड देखा था कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में ऐसे फिंगर्स को टर्न करें तो जो थंब होता है वो आपको देता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आप सर्कुलर वाले केस में लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकता है, तो आप उसी रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना होगा, और ये बताना क्यों जरूरी वैसे हम नहीं बताते आपको, ठीक है, कहते क्यों फालतू में बीच में वो एक रूल और लगाना, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत है, ये और बताया जा रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सिंपल तरीके से इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, एक पॉइंट है आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी वजह से ये रूल बताना जरूरी है। क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो अगर सेंटर पर निकालना तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ऐसे अप्लाई किया टुवर्ड्स द पॉइंट फिंगर्स किया तो पाम का परपेंडिकुलर कैसे जा रहा है इनवर्ड, तो यहां पर जो भी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगी। लेकिन ये कर्लिंग द फिंगर वाला रूल जो बताया जा रहा है उससे अगर आप देखो, जैसे इसी में आप देख लो फिंगर्स को ऐसे ही करंट के हिसाब से आप टर्न करेंगे, थंब कैसे जा रहा है इनवर्ड, तो इसका मतलब जो सेंटर पर फील्ड हो जाएगी वो इनवर्ड। बस आपको क्या करना है कि जो करंट है उसके हिसाब से अपनी फिंगर्स को टर्न करना है, फील्ड तो हम सेंटर पर ही निकालना है, ठीक है, तो ये सेंटर पर नाप के थोड़े एकदम थंब रखना है, कहीं भी ऐसे टर्न कर लो तो आपको ये देखना है थंब कैसे जा रहा है इनवर्ड, तो इसका मतलब सेंटर पर जो फील्ड हो जाएगी वो इनवर्ड हो जाएगी। तो वही यहां दिखाया गया कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को टर्न करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन जा रही, ठीक है, तो अपवर्ड यहां पर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड,
इसमें करंट ऐसे फ्लो करते हुए दिखाई गई, ऐसे टर्न करेंगे, थंब कैसे जा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये यहाँ पर डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये आप कर्लिंग द फिंगर वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपना आराम से ऐसे अप्लाई कर, बस क्या करना है करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स और थंब, ठीक, थम्स अप, तूफानी ठंडा, चल भी रहा है बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस रूल को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वो इसके लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप सोचें कि हम यार यहाँ भी राइट हैंड पाम रूल लगा लें फालतू में, उसको क्यों यूज करें, तो लगा सकते हो, राइट हैंड पाम रूल तो सब कहीं लगेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट हैंड पाम रूल से अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन निकालोगे तो आपको पूरा डेरिवेशन को ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। तो डेरिवेशन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे अगर हम इतना पार्ट लें तो ये ऐसे रखा गया ना, ऐसे, जैसे यहाँ पर ये डिस्क है, ठीक है, तो ये डिस्क यहाँ पर ऐसे रखी गई है, मतलब ये जो सर्कुलर लूप है इसको आप सर्कुलर लूप मानो, डिस्क ना मानो, सर्कुलर लूप, ठीक है। तो सर्कुलर लूप आपने ऐसे रखा तो करंट ऐसे फ्लो करते हुए दिखाएगी। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मान लें छोटा सा और नीचे एक करंट कैरिंग कंडक्टर मान लें, ठीक है, तो अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर मानेंगे यहाँ पर ऐसे, तो करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रही ना, तो आपको यहाँ पर देखना है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आपको यहाँ पर सेंटर से इस लोकेशन पर, मतलब यहाँ पी पॉइंट पर, सेंटर पर नहीं, सेंटर पर तो पीछे हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर इस लोकेशन पर एक्सिस पर एक पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंड पाम रूल से निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप एलिमेंट मानना पड़ेगा, फिर आप ऐसे रखोगे उस पर हाथ, ठीक है, मतलब ये पॉइंट है तो पॉइंट की तरफ फिंगर और ये थंब रहेगा करंट की डायरेक्शन में ऐसे, तो ये जो हमारा पाम है वो ये जो लाइन आप पाम दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर जाएंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये पाम हमने इस पर रखा है ना, ऐसे तो रखा है, तो इसके परपेंडिकुलर जाएंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे यहां पर आएगी, लेकिन ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है डीवी, मतलब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो बिल्कुल वैसे ही नीचे एलिमेंट मानेंगे आप, तो जब आप नीचे एलिमेंट वैसे ही मानोगे तो फिर आप यहां पर जैसे इधर करंट तो ऐसे जा रही थी और फिर ये करंट यहां इधर की तरफ जा रही होगी, वही करंट घूम कर जाएगी ना अंदर की तरफ, तो आप अंदर की तरफ ऐसे थंब रखेंगे और फिर आप ऐसे रखेंगे हाथ, ठीक है। तो पाम, क्योंकि आपको इस पॉइंट पर निकालना है तो पाम के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगी, तो इसका मतलब यहां पर जो नीचे वाली कंडीशन है इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगी वो इसके परपेंडिकुलर जाएगी ऐसे, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि हमने जैसे यहां पर ये मान लिया कि ये एंगल यहां पर है थीटा, ठीक है, ऐसे, तो ये एंगल थीटा है, तो अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें यहां पर, ठीक है, तो इधर का ये एंगल यहां पर, या ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, ऐसे ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। अब इस डीबी के कंपोनेंट करो, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा डीबी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा डीबी साइन थीटा, ऐसे नीचे एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो ये दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे कैंसिल और ये कंपोनेंट जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेट करके यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड का तो फॉर्मूला आपने याद कर लिया, लेकिन अगर डायरेक्शन भी देखो तो डायरेक्शन इधर आ रही है ना, तो वो डायरेक्ट राइट हैंड पाम रूल से नहीं आ पाई, आपको राइट हैंड पाम रूल लगाकर उसका डेरिवेशन करना पड़ा, तब आपको ये डायरेक्शन यहां पर मिली, ठीक है। तो अगर आप इसी चीज को कैलकुलेट करके ऐसे निकालेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप राइट हैंड पाम ये जो है कर्लिंग फिंगर वाला रूल लगा लेंगे तो तुरंत आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। कैसे, जैसे ऐसे फिंगर से यहाँ पर रोटेट करना है, ठीक है, जैसे ऐसे करंट फ्लो कर रही ना, तो करंट की डायरेक्शन में ही ऐसे आपको फिंगर्स को रोटेट करना है, जैसे करंट यहाँ पर ऐसे आप इमेजिन करो, ऐसे करंट फ्लो कर रही, ठीक है, तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को टर्न करेंगे, तो थंब इधर ही तो जा रहा है, करंट की डायरेक्शन फिंगर्स को टर्न किया, थंब इधर जा रहा है, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही, तो इसमें राइट हैंड पाम रूल तो नहीं लगाना पड़ रहा है ना, ठीक है, बस आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे और करंट आपको यहां पर मिल जाएगी, ये वो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, बात क्लियर होगी ना। तो आपको यहां पर अगर एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए,
तो एक्सेस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिर ये कर्लिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा सही काम करेगा, ठीक है। इससे अगर आप निकालोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे फिर पूरा डेरिवेशन के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया ना, पॉइंट समझ में आ गया ना। डिस्क जैसे आपको मान लीजिए पूरा समझना है फिर से, वैसे डिस्क ले लेना, कोई आपके घर में भी तो डिस्क होगी ना कोई। तो यहाँ पर जो है कैसे भी आप अपना करके इस तरीके से देख सकते हैं, बाकी सीधे सीधे आप यहाँ पर डायरेक्ट निकालो, ज्यादा काइयां मत बनो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे घूम रही करंट, बस करंट की डायरेक्शन में फिंगर टर्न किया, इतना याद रखो, यही बहुत है। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पर जो लूप है इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, आर हो गए रेडियस ऑफ कॉइल, ए हो गया पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ लूप, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्टली। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो लिखा ही है यहाँ पर, तो सीधे फॉर्मूला लिख लेते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, ठीक है। और या फिर हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम को लिख सकते हैं एन आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, एम तो आपको याद ही होगा यहां पर, एम क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एम इज इक्वल टू एन आई ए, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो जरूरी थोड़े कि दोनों फॉर्मूले थोड़े रटने हैं, बस एक याद करो टू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, और बस एम की जगह हमें क्या रखना है एन आई ए रख लेना है, तो वो अपने आप ही समझ लो याद हो जाएगा, नोट कर लिया ना आपने। इसी से रिलेटेड तो ऐसे पॉइंट बताए गए उस ग्राफ के लिए आपको ये समझाया जा रहा है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, बी वेरीज नॉन लीनियरली विद एक्स एंड विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू मिनिमम इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर जो लिखा गया है कि जो एक्स है एक्स एंड विल बी मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मिनिमम इक्वल टू जीरो। आप खुद देखो कि जो ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में जैसे जैसे एक्स की वैल्यू कहीं से भी यहां से चेक कर लो या यहां से, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी तो नीचे का फैक्टर कम होगा ना, तो ऊपर का फैक्टर बढ़ेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, तो एक्स की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है जीरो। भाई वहां से चलते चले आप सेंटर पर आ गए तो एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर। तो हम लोग वही जो अभी पीछे देखा था ना सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, चाहे उधर साइड में जाओ और चाहे इधर साइड में जाओ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रिड्यूस होती जाएगी। तो वो चीज यहाँ से दिखाई तो गई है करके इसी फॉर्मूले में, टू एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह हमने जीरो रख दिया और सॉल्व कर लिया गया, तो ये टू टू कैंसिल, आर क्यूब ऊपर आर स्क्वायर है एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा आर म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर एंड दिस इज मैक्सिमम। लेकिन ये फील्ड अगर हमें निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज थोड़े करेंगे, वो तो हमें पहले से याद, यहाँ पर देखो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स थे नहीं, नंबर ऑफ टर्न क्या है एक, तो हमने म्यू नॉट आई अपॉन टू आर रख दिया, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर कर देंगे, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर ये निकाला है तो पीछे से हमें पता ही याद ही ना म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, ठीक। अगर यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखें, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, देन आर प्लस एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर, तो अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा है r से, ठीक है x की वैल्यू, तो आप आर स्क्वायर को यहाँ पर हटा देंगे, ये काम भी हम लोग पहले कर चुके हैं, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो आप इसी फॉर्मूले की जो फॉर्मूला है यहाँ पर आप टू एन आई, ऊपर टू एम था तो टू एन आई, और नीचे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाई टू, तो अब की बार आर हटाना है सिर्फ एक्स रखना है, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में
यहाँ पर r हटाएंगे, सिर्फ x रखेंगे, 2 कैंसिल, तो नीचे x क्यूब आ जाएगा ना, तो ये x क्यूब आ जाएगा, तो 2NIA अपॉन x क्यूब, दैट इज b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, यानी कि ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन में हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया भाई, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके तो लिया गया, जैसे इसमें तो खर्च